माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते किरीट भाई, कैसे हैं आप? किरीट रंजे भाई सोलंकी, अहमदाबाद वेस्ट सांसद, पूरे अहमदाबाद और गुजरात की ओर से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और प्रधानमंत्री जी, जो भारत है वो गांवों में बसता है और आज तक 70 साल के आजादी के बाद भी गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मैं गौरव के साथ कहता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी आप बने, तब से हमारी सरकार ने गांव के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं। और ग्राम में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि ग्राम शक्ति की आजकल अक्सर बहुत चर्चा होती है, मगर सामान्य ग्रामीण उसको किस मायने में समझे, उसके बारे में आप हमें मार्गदर्शित किए, क्योंकि ग्राम शक्ति पंचायत शक्ति से जुड़ी हुई है या एक आम ग्रामीण आदमी का भी उसमें कोई सहयोग है, आप हमें मार्गदर्शित करें। देखिए किरीट जी, सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं गुजरात में मैं जब था तो एक प्रयोग हम कर रहे थे समरस गांव का, और यूनानिमस इलेक्शन का मूड बनाया था। ये विचार कहां से आया? मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में डॉक्टर द्वारकादास जोशी हुआ करते थे, और डॉक्टर द्वारकादास जोशी आचार्य विनोबा भावे के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, और आचार्य जी की जो बुद्धान प्रवृत्ति थी उसके लिए डॉक्टर द्वारकादास जोशी ने अपना जीवन समर्पित किया था। तो जब हम बालक थे तो कभी हमारे स्कूल में भी उनको व्याख्यान के लिए को बुलाते थे, तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी, मैं सुनने के लिए जाता था, और मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धा थी मेरी उनके प्रति। बचपन में मैंने उनको देखा तो मेरी बड़ी श्रद्धा थी डॉक्टर साहब के प्रति, और डॉक्टर होने के बावजूद भी पूरा जीवन उन्होंने डॉक्टरी के बजाय समाज सेवा में लगाया। तो वो एक बात बताते थे कि देखो भाई, लोकसभा का चुनाव होता है तो गांव टूटता नहीं है, असेंबली का चुनाव होता है गांव टूटता नहीं है, लेकिन जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो बेटी भी ससुराल से वापस आ जाती है, झगड़ा हो जाता है और वो फिर खाई भरती नहीं है। तो वो हमेशा भाषण करते थे कि भाई, विनोबा जी का आग्रह है कि गाँव में सब मिलजुल करके अपने प्रतिनिधि चुने, कोई झगड़ा फिसाद ना हो और जिसको हक है उसको मिलता रहे। तो उस बचपन में जो मैंने विचार सुने थे उसी को मैंने एक समृद्ध गांव की योजना गुजरात में बनाई थी, और मेरा अनुभव था कि 50% से ज्यादा गांव मिल बैठ करके अपने प्रतिनिधि चुनते थे और उसको सरकार विकास के लिए राशि देती थी। समाज में जब तनाव कम हो जाता है तो विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो गांव शक्ति में सबसे पहली ताकत है गांव की संगठित शक्ति। गांव जाति में बंटना नहीं चाहिए, गांव ऊंच नीच में बंटना नहीं चाहिए, गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति वो गांव का ही अपना होना चाहिए। गांव में पहले के जमाने में बारात आती थी तो पूरा गांव क्या कहता था, वे हमारे मेहमान हैं। कोई ये नहीं कहता था कि जिसके घर में बारात आई उसके मेहमान हैं, और हर घर हर लोग अपने घर के अंदर एक 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 दो दो मेहमान को ठहराते थे, और गांव के ही लोग उनको चाय के लिए बुलाते जाते थे। आपने देखो कैसा अच्छा माहौल होता था। ये गांव की शक्ति है, ये सदियों से हमने संजोई है, इस शक्ति को फिर से एक बार जगाना है, उन शक्ति को विकास के लिए जोड़ना है। और विकास क्या, गांव वाले तय करें भाई, हमारे गांव में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, गांव पूरा तय करेगा अब हमारे गांव से एक भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ेगा, मुझे बताइए वो बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गांव के अंदर सफाई होनी चाहिए, गांव तय करे तो कोई बीमारी आएगी क्या, नहीं आएगी। गांव के अंदर टीकाकरण का काम है, गांव में उत्सव बन जाए कि चलो आज टीकाकरण है, कोई बच्चा रह नहीं जाना चाहिए, कोई माँ रहनी चाहिए, कोई प्रसूता माता नहीं रहनी चाहिए। गांव अपने आप में एक शक्ति है, और अगर हम हमारे देश में ये काम बजट से नहीं होते, ये काम गांव की संगठित शक्ति से होते हैं। टीचर तो आता है लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर आता है टीकाकरण के लेकर के सारी चीजें लेकर के, लेकिन टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, हम गांव की शक्ति पर भरोसा करें, गांव की शक्ति संजोने के लिए प्रयास करें, और आप देखिए गांव मिरेकल करके देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आज जिन गांवों में आप तो देखिए, गांधीनगर के पास पूंछरी गांव है, सारे देश के लोग देखने के लिए जाते हैं, कितना छोटा सा गांव, सारा सीसीटीवी कैमरा है, स्कूल के अंदर बच्चा आया कि नहीं आया, उसका
कंप्यूटर से वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करते हैं। ऐसे कई गांव हैं जिन गांवों ने काम, आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी का गांव, उन्होंने सफाई पर बल दिया था और धीरे 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 करके अन्ना हजारे जी ने उस गांव को इतना उत्तम बना दिया, देश भर के लिए एक मॉडल बन गया था। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी काम किया है बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। और मैं राजनेताओं से हमेशा आग्रह करता हूं कि हम कुछ भी काम करें लेकिन एक गांव तो हम पकड़ करके बदलाव दे, आप देखिए इतना संतोष मिलेगा। मैं अपने बनारस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंस में, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो पार्लियामेंट मेंबर का गांव का आदर्श गांव की योजना है, तो मैं बड़े मन से उस काम को देखता हूँ, उसकी प्रगति देखता हूँ। गांव वाले भी बड़े उत्साह के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने सही सवाल पूछा है, वैसे जरूर इसका लाभ देश के हमारे सारे विधायक और सांसद उठाएंगे।